मैंने गलती से एक स्ट्राइक मार दिया फोन पे गाने को कल जो रिलीज हुआ था सड़िया ब्लू किया। अबे भाई भोजपुरी के बादशाह यानी कि पवन सिंह के गाने पे फेक स्ट्राइक। सब कुछ से माफी चाहता हूँ, मेरे छोड़ दीजिए। पैर पकड़, पैर पकड़, तू के चाप से लगे नहीं नहीं। मैं ये न्यूज सुन के तो एकदम मतलब कहिए तो अचक्का रह गया भाई। मतलब कुछ पल के लिए विश्वास ही नहीं हुआ जब मैंने ये न्यूज देखा कि भोजपुरी के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह के गाने को कोई स्ट्राइक मार के हटा देता है। अरे भाई अगर ये पवन सिंह के साथ मुमकिन है तो भोजपुरी के फिर किसी भी कलाकार के गाने पे फेक स्ट्राइक आ सकता है। नहीं नहीं, हम बताएंगे किसने मारा और कैसे माफी मांगा। एक्चुअली लड़का पकड़ा भी गया है और वो माफी गिड़गिड़ा के मांग रहा है, थूक तक चटवाने का बात कर दिए लोग। मतलब पवन सिंह के टीममेट ऐसा धड़ल्ले से ढाए बोलते हैं कि वो तुरंत पकड़ा जाता है। लेकिन यार इज्जत तो चला गया ना। मतलब एक घंटे के लिए यूट्यूब से गाने को हटा देना, समझते हैं आप? और किसके गाने को हटा देना, पवन सिंह के गाने को एक घंटे के लिए यूट्यूब से हटा देना बहुत बड़ी बात है। लेकिन फिर पहुंचते हैं पवन सिंह के टीम वाले और लड़के को माफी तक मंगवा देते हैं। यहाँ तक कि बात हो जाता है थूक चटवाने तक का कि इसको थूक गिरवाइए इससे और थूक चटवाइए, फिर छोड़ दिया जाता है। खैर मतलब जो इल्जाम आ रहा है किसी अपने लोग ने ही करवाया है। लड़का से ये पूछा गया, लड़का ने बता दिया है। अब उन लोगों को पता है, हमको नहीं पता है, लेकिन इतना पता है कि किसी अपने ने करवाया है और डिजिटल संदीप राय का कंपनी जो है उसका लड़का था और वहीं से। अब लड़का तो वीडियो में यह कहते नजर आ रहा है कि हमारा सैलरी नहीं दे रहे थे तो बोले कि ऐसा करोगे तो सैलरी तुमको दे दिया जाएगा, और भाई लड़का स्ट्राइक मार देता है। यार गाना अब यूट्यूब पे वापस से आ गया है तो जाइए और बुलुकिया सड़िया सुन के खूब इंजॉय करिए।